भ्रष्टाचार नहीं करते, पैसे नहीं खाते, इनको ये चुभ रहा है बहुत, तो ये जबरदस्ती साबित करना चाहते हैं, नहीं नहीं ये भी चोर है, हमारे जैसे ही हैं ये, जैसे हमें वैसे ही हैं, तो ये जबरदस्ती करना चाहते हैं। केजरीवाल से नफरत करते करते तुम लोग देश से नफरत कर बैठे। केजरीवाल आएगा जाएगा, केजरीवाल इम्पोर्टेंट नहीं है। एक पिक्चर आई थी अमिताभ बच्चन की, दीवार, देखी होगी आप सबने, उसमें अमिताभ बच्चन और शशि कपूर आपस में बात कर रहे हैं। अमिताभ बच्चन कहता है, तेरे को क्या मिला अपने असूलों से, मेरे पास धन है, दौलत है, ऐश्वर्य है, बंगला है, गाड़ी है, तेरे पास क्या है। शशि कपूर कहता है, मेरे पास माँ है। आज ये बीजेपी वाले धमकी दे रहे हैं दिल्ली के लोगों को, सरेआम धमकी दे रहे हैं दिल्ली के लोगों को, कहते हैं हमारे पास ईडी है, इनकम टैक्स है, सीबीआई है, दिल्ली पुलिस है, सारी दौलत है, इतने बड़े बड़े हर डिस्ट्रिक्ट में ऑफिस हैं, तुम्हारे पास क्या है। दिल्ली में कोई भी देश भर से अगर आता है या दुनिया से कोई भी आता है, वो दिल्ली के स्कूल देखने जाता है, दांतों तले उंगली दबा लेता है कि ऐसे भी सरकारी स्कूल हो सकते हैं, अस्पताल देखने जाता है, सरकारी अस्पताल, बड़ा आश्चर्यचकित होता है कि ऐसे भी सरकारी अस्पताल हो सकते हैं, मोहल्ला क्लिनिक देखने जाता है, फिर जनता से बात करता है तो जनता कहती है यहाँ पे 24 घंटे बिजली आती है और जीरो बिल आते हैं, लोग दिखाते हैं जीरो बिल। 75 साल हो गए आज़ादी को, आज तक देश में किसी भी राज्य में किसी के भी जीरो बिल नहीं आए, पहली बार जीरो बिल आ रहे हैं कि 24 घंटे बिजली आती है और जीरो बिल आते हैं। फिर जब वो दिल्ली में घूमता है तो सड़कों पे चारों तरफ गंदी गंद गंदी गंद गंदगी गंदगी, कूड़े के पहाड़, बहुत दुख होता है कि हम दिल्ली को साफ नहीं कर पाए। बहुत मन होता है कि काश अगर हमारे पास एमसीडी होती तो हम दिल्ली को साफ कर देते। 15 साल से इनके पास एमसीडी थी, इन्होंने नहीं किया, और अब ये लोग चुनाव भी नहीं करा रहे। मतलब जो सरेआम गुंडागर्दी होती है, लफंगई होती है, वो मचा रखी है इन्होंने कि काम हम भी नहीं करेंगे और तुमको भी नहीं करने देंगे, और देखते हैं दिल्ली कैसे साफ होती है, दिल्ली वालों से बदला निकाल रहे हैं। एक इनके सीनियर नेता से मैं पूछ रहा था, मैंने कहा ये कोई इतनी बड़ी बात थोड़ी है दिल्ली को साफ करना, क्यों नहीं करते। कहते दिल्ली के सफाई कर्मचारी कामचोर हैं। बीजेपी वाले कहते हैं कि दिल्ली के सफाई कर्मचारी कामचोर हैं। दिल्ली के सफाई कर्मचारी कामचोर नहीं है, तुम चोर हो, तुम डाकू हो। पहले इसी तरह की गंदी गंदी पहले इसी तरह की गंदी गंदी भद्दी गालियां ये लोग टीचरों को दिया करते थे, सरकारी टीचरों को, डॉक्टरों को दिया करते थे। कहते थे दिल्ली के टीचर पढ़ाते नहीं हैं, निकम्मे हैं, टीचर आते हैं पेड़ों के नीचे बैठे रहते हैं, वही टीचर हैं, हमने तो टीचर बदले नहीं, 60,000 टीचर हैं, वही टीचर हैं, हमने तो बदले नहीं, और इन्होंने क्रांति करके दिखा दी। वही डॉक्टर हैं, वो तो हमने बदले नहीं, इन्होंने हम क्रांति करके दिखा दी। एक बार एमसीडी हमारे हाथ में आ जाए, यही सफर सफाई कर्मचारी है, पूरी दुनिया के अंदर ये सफाई कर्मचारी दिल्ली का नाम रोशन करेंगे। ये फंड्स का रोना रोते रहते हैं, दिल्ली सरकार फंड नहीं देती, दिल्ली सरकार फंड नहीं देती, दिल्ली सरकार ने फंड रोक रखे हैं, हमने सारे फंड दे दिए, पर चलो मान लिया, पर अब तो केंद्र के अंडर में आ गई एमसीडी, अब तो हमारा फंड देना बनता ही नहीं है, अब तो सारा फंड केंद्र ने देना है, सेंटर ने देना है। सेंटर जब बिल लाई थी तो बोले थे भाई दिल्ली सरकार ने बड़ा सौतेला व्यवहार कर रखा है, अब हम अपने अंडर में ले रहे हैं, सेंटर ने अपने अंडर में ले, अब ले लो फंड, अब हमारे पास किस लिए आ रहे हो, अब किस लिए गाली दे रहे हो, अब तो कुछ करके दिखा दो, अब सेंटर से लाओ फंड। अभी भी तनख्वाह नहीं दे रहे सफाई कर्मचारियों को, अभी भी उनके कर्मचारियों को ना तनख्वाह मिल रही ना फंड मिल रहा, लाओ अब सेंटर से फंड, अब तो दिल्ली सरकार का कोई रोल ही नहीं है, कोई फंड नहीं देना हमको, सारा फंड लाओ अब सेंटर, अभी भी कुछ नहीं काम कर। ये चुनाव नहीं कराएंगे, क्यों नहीं कराएंगे। एक पिक्चर आई थी अमिताभ बच्चन की,
दीवार देखी होगी आप सबने, उसमें अमिताभ बच्चन और शशि कपूर आपस में बात कर रहे हैं। अमिताभ बच्चन कहता है, तेरे को क्या मिला सोनों से? मेरे पास धन है, दौलत है, ऐश्वर्य है, बंगला है, गाड़ी है, तेरे पास क्या है? शशि कपूर कहता है, मेरे पास माँ है। आज ये बीजेपी वाले धमकी दे रहे हैं दिल्ली के लोगों को, सरेआम धमकी दे रहे हैं दिल्ली के लोगों को, कहते हैं हमारे पास ईडी है, इनकम टैक्स है, सीबीआई है, दिल्ली पुलिस है, सारी दौलत है, इतने बड़े बड़े हर डिस्ट्रिक्ट में ऑफिस हैं, तुम्हारे पास क्या है? दिल्ली की 2 करोड़ जनता एक साथ बोलती है, हमारे पास हमारा बेटा केजरीवाल है। इसीलिए डरते हैं ये लोग। वो गली का गुंडा होता है ना, जाता है किसी के घर में, तेरे लड़के को बाहर निकाल, जनता कह रही है खबरदार तुमने केजरीवाल को हाथ लगाया। अपने बेटे से प्यार करती है जनता, घर का ख्याल रखा है मैंने एक अच्छे बेटे की तरह, उन बच्चों को अपने भाई बहनों को पढ़ाता हूँ, अच्छी शिक्षा देता हूँ, घर में कोई बीमार हो जाए उनका इलाज कराता हूँ। इसलिए ये कभी चुनाव कराएंगे ही नहीं, इनको पता है कि दिल्ली की जनता हमेशा अपने बेटे और अपने भाई के साथ खड़ी होगी। अब इन्होंने नई धमकी देनी शुरू कर दी बीजेपी वालों ने, आप लोगों ने भी सुना होगा, खूब चल रहा है कि दिल्ली में अब अगले असेंबली चुनाव ही नहीं होंगे, कह रहे अब फुल यूनियन टेरिटरी बनाएंगे दिल्ली को, काफी चल रहा है आजकल कि फुल यूनियन टेरिटरी, अगले चुनाव ही नहीं होंगे, अब ये असेंबली खत्म, यूटी विद लेजिस्लेचर खत्म, अब अगला अमित शाह जी ने धमकी दिया, हद हो गई जी। केजरीवाल से नफरत करते करते तुम लोग देश से नफरत कर रहे हो। केजरीवाल आएगा जाएगा, केजरीवाल इंपॉर्टेंट नहीं है। दूरी साहब, हम रहे ना रहे, आप भी कल नहीं रहोगे, मैं भी नहीं रहूंगा, हम अमर थोड़ी हैं, कल मैं भी मर जाऊंगा, आप भी मर जाओगे, आने वाले पुश्ते आपके बच्चे आपको गाली देंगे कि मेरा बाप ने सदन में खड़े होकर कहा था कि दिल्ली के अंदर चलते, आपके बच्चे गाली देंगे, मैं आपको लिख के दे रहा हूँ कि आपने सदन के अंदर खड़े होकर कहा था कि मेरे बाप ने कहा था सदन के अंदर खड़े होकर कि जनतंत्र खत्म कर देना चाहिए इस देश से। आज देश में हमारे कट्टर विरोधी भी खुलेआम, चाहे जो मर्जी कह लें, प्राइवेट में बैठो तो कहते हैं यार लोग तो ईमानदार हैं, कट्टर ईमानदार हैं, भ्रष्टाचार नहीं करते, पैसे नहीं खाते, इनको ये चुभ रहा है, तो ये जबरदस्ती साबित करना चाहते हैं नहीं नहीं ये भी चोर हैं हमारे जैसे ही हैं, जैसे हमें वैसे ही हैं, तो ये जबरदस्ती करना चाहते हैं। सत्येंद्र जैन को पकड़ लिया, बताओ, एक पैसे का भ्रष्टाचार साबित नहीं कर पा रहे, सबसे कट्टर मैं समझता हूँ वो देश के लिए काला दिन था जिस दिन सत्येंद्र जैन, जिसने इस देश को नहीं इस दुनिया को मोहल्ला क्लिनिक का कॉन्सेप्ट, पूरी दुनिया में देश में नहीं कह रहा, पूरी दुनिया में दिल्ली अकेला शहर है जहाँ दिल्ली के हर आदमी अमीर हो या गरीब हो उसकी दवाइयाँ सारी मिलती है, उसका सारा इलाज मिलता है। सत्येंद्र जैन ने पूरी दुनिया में क्या, पूरी मानव सृष्टि के अंदर शायद दिल्ली पहला राज्य है जहां पे 24 घंटे बिजली आती है और मुफ्त बिजली आती है, दुनिया के किसी कोने में मुफ्त बिजली नहीं आती थी। सत्येंद्र जैन ने किया, ऐसे आदमी को उठा के ये लोग जेल में डालते थे।
बस इसलिए कि वो साबित करना कहना चाहते हैं दुनिया को, पर कोई मान ही नहीं रहा इनके। सत्येंद्र जैन को जेल में डाल दिया, फिर भी लोग कहते हैं यार लोग कोई मानता है, फिर भी राजेंद्र नगर हार गए। अब कह रहे हैं ये अब कह रहे हैं दे रहे हैं कि अगस्त के अंत तक मनीष सिसोदिया को ये गिरफ्तार करें। ये कोई तरीका नहीं हुआ ना, ये कह रहे हैं मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार करें। यार ये शकल से चोर नजर आता है सर, सब चलेंगे साथ चलेंगे, सब शकल से चोर नजर आता है। दिल्ली के 18 लाख बच्चों का भविष्य बनाया है इसने, तुम लोगों की ओपन चैलेंज कर रहा हूं, तुम लोगों की कह रहे कितने 19 राज्यों में सरकारें हैं, हमारे 19 राज्य एक तरफ, दिल्ली एक तरफ, चैलेंज कर रहे हो। 10 स्कूल तुम्हारे हम दिखाते हैं, 10 स्कूल तुम्हारे अभी आए थे बीजेपी के, गुजरात वाले आए थे देखने, गुजरात वाले, गुजरात की 22 नेताओं की, बड़े बड़े नेताओं के, पूर्व शिक्षा मंत्री फलाना ढिमका, सारे बड़े बड़े नेता आए थे देखने गुजरात के, बोले हम पोल खोल के आएंगे। हमने स्वागत किया उनका और स्वागत करके हमने कहा भाई आओ देखो, वो देख के आए खुद ही, हम नहीं गए उनके साथ, खुद ही देख के आए। फिर उन्होंने कहा 3 बजे आज प्रेस कॉन्फ्रेंस है, प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस भी नहीं की, तो बोले ना यहाँ नहीं करेंगे गुजरात जाके करेंगे, गुजरात जाके भी नहीं करी प्रेस को, कुछ मिला ही नहीं उनको, कोई कमी नहीं मिली। ऐसा आदमी जिसने 18 लाख बच्चों का भविष्य बनाया हो उसको तुम भ्रष्टाचारी कहोगे और उसको जेल डालोगे, ये तो देश के लिए काला दिन होगा। और ये छोड़ो, पता नहीं हमारे अभी तक कितने 20-22 MLA को तो जेल भेज चुके, अब कुछ अमानत के खिलाफ भी नोटिस कर रखा है, अतीशी के खिलाफ भी नोटिस कर रखा है, कादयान के खिलाफ भी नोटिस कर रखा है, FIR दर्ज कर रखी है, 2-4 संजीव झा के खिलाफ, और एक और आ जाए मुकेश अलावत के खिलाफ कर रखा है, और भी कई और कर लो गिरफ्तार। मतलब जब वो 22 नहीं टूटे, उनके जितने जजमेंट आए सारों में बरी कर दिया, और कोर्ट ने ऐसा लताड़ा इन लोगों को कि भाई ये क्या झूठे झूठे केस कर रहे हो, फिर भी अकल नहीं आई इनको, और कर लो। और अब तो इन्होंने हद कर दी, अभी तक तो ये मंत्रियों को और MLA को, अब हमारे कार्यकर्ताओं को इन्होंने, ED ने पिछले हफ्ते 3 दिन तक रोज 10-10 घंटे तक हमारे एक ऐसे कार्यकर्ता को संबंध करके बुलाया जिसका नाम आप में से कोई नहीं जानता। मेरे को पता चला, मैंने पूछा भाई अपना ये कार्यकर्ता कौन है, 10-10 घंटे तक रोज ED ने बिठा के उसको इंटरोगेशन करा, पता नहीं किसी फर्जी मामले में, सत्येंद्र जैन वाले किसी फर्जी मामले में कोई फर्जी मामला बना रखा है,
ईडी के एक एक 10-10 घंटे बेचारे को ना खाने को दिया ना पानी दिया। आज इस सदन के माध्यम से मैं अपने सारे आम आदमी पार्टी के एमएलए, मंत्री, सारे कार्यकर्ताओं को, जितने आम आदमी पार्टी के देश भर में कार्यकर्ता हैं, उनको मैं अपील करना चाहता हूं, अपने अपने घर में कह दो और तैयार हो जाओ जेल जाने के। इनसे डरने की जरूरत नहीं है, इनसे डरने की जरूरत नहीं है, तैयार हो जाओ जेल जाने के लिए। सर तैयार है, मैं खुद 15 दिन जेल में रह चुका, कोई दिक्कत नहीं होती। कोई दिक्कत नहीं होती। और ये सर मेरे को बोल लेना तो सर, और इनकी जांच कैसे होती है, क्या फर्जी जांच है, इसकी मैं कहानी सुनाना चाहूंगा कि इनकी जांच कैसे होती है। एक बार 3 देशों की पुलिस, उनमें कंपटीशन हुआ, भारत की पुलिस, अमेरिका की पुलिस और इंग्लैंड की पुलिस, बताता हूँ। तो कंपटीशन ये था भाई कौन से देश की पुलिस सबसे जल्दी चोर को पकड़ लेती है। तो पहले अमेरिका की पुलिस आई, उनको कहा गया ये फलाना फलाना चोर है, इसको पकड़ो। 2 दिन में चोर को पकड़ के ले आए। फिर इंग्लैंड की पुलिस आई, उनको कहा गया अभी चोर को पकड़ो, वो 1 दिन में चोर को पकड़ के ले आई। फिर भारत का नंबर आया, बीजेपी वाले आ गए, बोले जी तुम्हारी पुलिस, बोले बस हम ही हैं। बोला हमारे यहाँ पुलिस वुलिस कुछ नहीं है, बस हम ही हैं, सब कुछ हम ही हैं, बताओ कौन। तो उनको बोला भाई चोर पकड़ो, वो भी हम। 1 दिन हो गया, 2 दिन हो गया, 3 दिन हो गए, आए नहीं। तो सारे अमेरिका वाले, लंदन वाले, वो सारे ढूंढने निकले भाई कहाँ रह गए ये भाजपा वाले। तो देखा एक जगह एक आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता को पकड़ रखा और पीट पीट के बोल रहे हैं, बोल मैं चोर, बोल मैं चोर, बोल मैं चोर। ऐसे इनकी जांच होती है। दोस्तों पूरे देश के अंदर आज एक एक करके सारे पार्टियां झुकती जा रही हैं, सारी पार्टियां गिरती जा रही हैं। इन्होंने सबको तोड़ लिया, आज पूरा देश आपकी तरफ देख रहा है, पूरा देश आम आदमी पार्टी की तरफ देख रहा है। केवल आम आदमी पार्टी है, आम आदमी पार्टी अकेली है जिससे इनकी पैंट गीली होती है। केवल आम आदमी पार्टी है जिससे इनके टॉप के दोनों नेता डरते हैं। तुम सारे मत टूटना किसी भी हालत। अभी मैं गुजरात से वापस आ रहा था, मेरे बगल में एक आदमी बैठा था, गुजरात का था, उसे मेरा हाथ पकड़ लिया था, मुझे कहता है कि सर कुछ भी करो गुजरात को बचा लो इनसे। मैं सोच रहा था कि कितनी उम्मीद है लोगों को हम लोगों से, कितनी ज़्यादा। मैंने उसको बोला यार तुम लोग कुछ क्यों नहीं करते, कहता सर सारे डरे हुए हैं, सब डरे हुए हैं, किसी की हिम्मत नहीं होती इनके खिलाफ बोलने की, सबको डरा रखा है। आज का ये दौर जो चल रहा है हमारे देश के अंदर, ये इतिहास में काले अक्षरों से लिखा जाएगा, और जब ये इतिहास के अंदर काले अक्षरों से लिखा जाएगा उस वक्त तुम लोगों का नाम स्वतंत्रता सेनानी के रूप में, उस वक्त सतिंदर जैन का नाम स्वतंत्रता सेनानी, मनीष सिसोदिया का नाम, संजीव झा का नाम, जितने तुम जेल गए हो सबका नाम है। आज के जमाने के तुम सारे भगत सिंह हो, मरने के लिए कटने के लिए तैयार रहना। आज मैंने अभी आने से पहले सुन रहा था, कोई एक टीवी चैनल है बहुत बड़ा, उस टीवी चैनल का कोई एंकर है, उस एंकर ने कोई फर्जी क्लिप दिखा दी, तो छत्तीसगढ़ की पुलिस उसको गिरफ्तार करने आई है। होना चाहिए गिरफ्तार, क्यों नहीं होना चाहिए, वारंट है सर, वारंट, वारंट लेके आई है। उत्तर प्रदेश की पुलिस उसको बचाने पहुंच गई, अब दोनों राज्यों की पुलिस गुत्थम गुत्था हो रही है।
बताओ ये क्या हाल बना दिया देश का। चाइना से लड़ाई नहीं होती तुमसे, अपने देश के अंदर एक राज्य की पुलिस दूसरे राज्य की पुलिस से, पंजाब की पुलिस दिल्ली से एक अपराधी को पकड़ने के लिए आई, दिल्ली पुलिस उसको बचाने पहुंच गई, तो ये क्या हाल बना दिया। एक राज्य की पुलिस दूसरे राज्य, हम सारे आपस में लड़ेंगे क्या बैठ के? लोग आपस में बड़ लड़ेंगे, पुलिस इसकी पुलिस उससे लड़ेगी। अरे यार सारे मिलके चाइना से लड़ो ना, चाइना हमारे देश के अंदर घुस गया, उसको बाहर भगाते हैं सारे मिलके, बीजेपी वाले कांग्रेस वाले आम आदमी पार्टी सारे इकट्ठे हो जाओ, तो सारे आपस में लड़ेंगे तो कैसे। अभी उदयपुर में एक बड़ी दर्दनाक घटना घटी जिसमें दो लोगों ने एक आदमी का सरेआम गला काट के उसका कत्ल कर दिया। बड़ी गंदी घटना है, बड़ी दर्दनाक घटना है, हम उसकी कड़ी निंदा की, हमने मांग की भाई दोषियों को सजा दो। जब पुलिस दोषियों को पकड़ने पहुंची तो पता चला अखबारों और टीवी और सोशल मीडिया के माध्यम से कि उन दो लोगों जिन्होंने कत्ल किया था इतना दर्दनाक तरीके से, उनमें से एक जो है वो भाजपा का निकला। अभी जम्मू के अंदर दो दिन पहले एक लश्कर का बहुत बड़ा आतंकवादी पकड़ा गया है, वो लश्कर का कमांडर बताया जा रहा है। वो बताते हैं कि भाजपा का एक वरिष्ठ नेता निकला। आज मैंने यहाँ आने के पहले, आप लोग भी करना एक गूगल करना, रेपिस्ट्स इन बीजेपी, एक बड़ी लंबी लिस्ट आती है बीजेपी के अंदर कौन कौन बलात्कारी है, उनकी लंबी लिस्ट आती है। तो मैंने आप लोगों की कईयों की पुलिस वो देखी थी प्रेस कॉन्फ्रेंस वगैरह, आप लोग कहते थे बीजेपी लुच्चे लफंगे गुंडे मवाली बलात्कारियों की पार्टी है, इसमें अब आतंकवादी भी शामिल हो रहे हैं। पूरे देश में इन्होंने बड़े बड़े जिला ऑफिस खोले हैं, अब समझ में आया किस लिए खोले हैं। कहीं किसी जिले में कोई अपराध हो जाए, मैं आपको गारंटी दे रहा हूं, सबसे पहले अगर वहां की पुलिस इनके जिला ऑफिस पे रेड मार दे, अपराधी वहीं मिलेगा आपको अपराधी। कहीं कोई बलात्कार हो जाए बीजेपी में मिलेगा, कहीं कोई मर्डर हो जाए या तो बीजेपी का हो गया, बीजेपी में जाके शामिल हो जाएगा। अभी थोड़े दिन पहले सिंगापुर के एम्बेसडर मेरे से मिलने के लिए आए, उन्होंने कहा जी आपने दिल्ली के अंदर बहुत शानदार काम किया है, उन्होंने हमारे, उनको सारा काम पता था अपना, उन्होंने बिजली पानी शिक्षा स्वास्थ्य स्कूल अस्पताल सबका जिक्र किया। उन्होंने कहा जी आप सिंगापुर सरकार की तरफ से मैं आपको इनवाइट करता हूँ, आप सिंगापुर आएँ, और सिंगापुर में हमने दुनिया भर के सारे शहरों के मेयर मुख्यमंत्री अलग अलग शहरों के बुला रखे हैं आपको सुनने के लिए, आप वहां आएं और बताएं कि आपका दिल्ली मॉडल क्या है। मैं समझता हूं ये तो देश के लिए गर्व की बात है, पूरी दुनिया सुनती कि दिल्ली मॉडल क्या है, पूरी दुनिया सुनती कि दिल्ली, भारत के लोगों ने किस तरह से, दिल्ली के लोगों ने किस तरह से अपने स्कूल अस्पताल अच्छे कर दिए। इन्होंने मेरी सिंगापुर वाली फाइल रोक के बैठ गए, सिंगापुर नहीं जाने दे रहे। ये केजरीवाल से नफरत करते करते इस देश के साथ नफरत करने लग गए कि पूरे दुनिया के अंदर भारत का नाम नहीं होना चाहिए किसी भी हालत में, हर चीज में। मिलेनिया ट्रंप आई, मिलेनिया ट्रंप ने भी सुना था वहां पे कि इंडिया के अंदर दिल्ली में सरकारी स्कूलों में बहुत अच्छा काम हुआ है। मिलेनिया ट्रंप दो साल पहले डोनाल्ड ट्रंप जब आए थे, उनके साथ उनकी धर्मपत्नी मिलेनिया ट्रंप भी आई थी, मिलेनिया ट्रंप ने आके बोला मैं तो दिल्ली सरकार के स्कूल देखूंगी, तो मोदी जी ने बहुत समझाया बहन मान जा, तेरे को मैं अच्छा प्राइवेट स्कूल दिखा देता हूँ। नहीं मानी, बोले तेरे को मैं केंद्र सरकार का कोई स्कूल दिखा देता हूँ, हमारे दूसरे कोई राज्यों का स्कूल। नहीं मानी, बोली मैं तो केजरीवाल के स्कूल में जाऊंगी। अच्छी बात है, देश का नाम होता है। पर ये मेरे को पिछली साल
कोपेनहेगन में बुलाया गया कि भाई दिल्ली ने प्रदूषण के ऊपर अच्छा काम किया। मैं ये नहीं कह रहा प्रदूषण सारा कंट्रोल हो गया, अभी बहुत काम करना है, लेकिन पहले जो हालत थी उससे काफी सुधार हुआ है, हम ठीक दिशा में जा रहे हैं। अभी और समय लगेगा, 70 साल का इन्होंने जो बेड़ा गर्क किया है वो 5 साल में खत्म नहीं हो सकता, अभी कर रहे हैं। लेकिन उनको पता चला, दुनिया को पता चला भाई दिल्ली में प्रदूषण पे अच्छा, उन्होंने मेरे को बुलाया, इन्होंने जाने नहीं दिया। ये बड़े दुर्भाग्य की बात है, देश के लिए दुर्भाग्य की बात है कि ये किस तरह से, मुझे लगता है कि 75 साल के भारत में पहली बार ऐसा हुआ कि कोई प्रधानमंत्री किसी मुख्यमंत्री को जाने से, विदेश जाने से रोकता है। तो दोस्तों, ये जो अभी हमारे सामने रेजोल्यूशन है, मैं इसका समर्थन करता हूँ कि एमसीडी में जल्दी से जल्दी चुनाव होने चाहिए। पर मैं भी ये कह दूँ, ये कराने वाले नहीं है, हमें कोर्ट जाना पड़ेगा और कोर्ट जाएंगे और चुनाव टाइम पे करवा के रहेंगे हम लोग।